हेलो एवरीवन दिस इज़ अभिषेक पंडोत्रा वेलकम यू ऑल टू कॉन स्टडी आई एम गिविंग यू लेक्चर्स ऑन जे एंड के हिस्ट्री और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जे एंड के हिस्ट्री पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें आप हमारे चैनल कौन स्टडी को आदर्स प्लेटफॉर्म टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें टेलीग्राम पर हमारे लाइव क्विजिस होते रहते हैं जहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिविज़न कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जी एंड के हिस्ट्री में जितनी भी, भी वीडियोज़ आती है वो वीक के दो दिन आती हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को लाइट स्टार्ट टूडेज लेक्चर एज़ यू नो कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका एक टेन क्वेश्चन टेस्ट लेता हूँ प्रीवियस लेक्चर पे सो so, जिसने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जिसकी वजह से आप ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप अटैम्प्ट कर पाओगे फर्स्ट क्वेश्चन है हु हो द थ्रोन इन 1354 एडी 1354 एडी में किसने किसको थ्रोन पे बिठाया गया था आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है हु फाउंडेड शाह मीर डानेस्टी इन कश्मीर शाह मीर डानेस्टी को कश्मीर में किसने फाउंड किया था हाउ मैनी ईयर्स डिड शाह मीर डाइनेस्टी रूल शाह मीर डाइनेस्टी ने कितने साल तक कश्मीर पे रूल किया था हुलित आदित्य और मिडीवल कश्मीर मिडीवल कश्मीर का ललित आदित्य किस को कहा जाता है हु थ्रोन इन फोरटीन ट्वेंटी ए डी फोर्टीन ट्वेंटी ए डी में थ्रोन पर किसको बिठाया गया था कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हो मैनी इयस डि सुल्तान जैन रूल कश्मीर सुल्तान ने कितने साल तक कश्मीर पर रूल किया था वेयर डिड सुल्तान बिल्ट ए रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रम्स सुल्तान जैन दिन ने रॉयल किचन कहाँ पर बनाई थी हिंदू पिलग्रम्स के लिए वैन डिड सुल्तान जैन उब्दीन डाइड इनकी डेथ कब हुई थी वैन डिड चक डनेस्टी बिगन इन कश्मीर चक डाइनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी जिसी चक सी एच ए के वैन डिड मुग़ल कम टू कश्मीर मुग़ल कश्मीर में कब आए थे आप सबको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं और मैं आपको इनके आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा आज हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में कि मुगल्स कश्मीर में कब आए थे और किस किस मुग़ल रूलर ने कश्मीर पर रूल किया था मुग़ल रूलर मुगल रूल कश्मीर में 1587 में स्टार्ट हुआ था और 1752 में इसका एंड हुआ था तो सबसे पहले मुगल रूलर आए थे जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया था वो थे अकबर अकबर ने 1579 सेवनटी में कश्मीर पर रूल करना स्टार्ट किया था ड्यूरिंग हिस्टेन जब उनका टेन चल रहा था शासन चल रहा था एटीन थाउजेंड कश्मीरीज को यहाँ पे एंटरटेन किया गया था अकबर के द्वारा एट ईदगाह पे अकबर के टाइम पे एक राजा टोडर मल नाम के एक फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे जिन्होंने एक रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया पूरे वैली का अकबर ने एक टोन बनाया था हरि पर्वत के बाद जिसको, जिसको जिसका नाम रखा उन्होंने जिसको नगर मगर के नाम से जाना जाता था और जिसके अराउंड उन्होंने पूरे क्या बनाई एक वॉल बना दी अकबर जो थे उन्होंने वैली में तीन बार विजिट किया था और जब भी वो आते थे उनके साथ बहुत सारे आर्मी जनरल्स उनके जितने भी सैनिक होते थे नोबल्स होते थे वो सब उनके साथ आते थे जिसकी वजह से जो फेम था बैली का कश्मीर का वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया था पूरे इंडिया को पता लगना शुरू हो गया था कि कश्मीर नाम की कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टेट है और वहाँ पे लोगों का आना स्टार्ट हो गया था विज़िट करना अकबर के बाद जो जहाँ पर मुगल, रूल, मुगल रूलर का रूल हुआ वो थे जहांगीर एक्चुअली जहांगीर के टाइम पे ही जो कश्मीर की ब्यूटी थी वो पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में अच्छे से फैल गई थी सबको पता चल गया था कि कश्मीर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहांगीर यहाँ पे सेवनटीन टाइम्स आए थे और जब भी वो आते थे वो कभी अकेले नहीं आते थे उनके साथ बहुत सारे प्रिंसेस होती थी आर्मी होती थी आर्मी जनरल्स होते थे बहुत सारे लोग उनके साथ आते थे जहांगीर को जहाँ पे भी कोई सीनिक ब्यूटीज मिलती थी जहाँ पे भी उनको कोई हिल्स मिलते थे और उसके सराउंडिंग में चिनार ट्रीज हो गए या कोई स्प्रिंग हो गया उसको उस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते थे किसके लिए शा गार्डन्स बनाने के लिए या कुछ और से व्यूज़ बनाने के लिए सो दैट वो चीज़ें आगे जाके लोगों के काम आ सके जैसे कि एग्जाम्पल्स शाली है शालीमार है निषाद गार्डन्स जो कि डल लेक के के साइड पे बने हुए हैं ये सब जहांगीर ने बनाए हैं बिकॉज जहांगीर लफ्स जो नेचुरल ब्यूटी थी वो उसको बहुत प्यार करते थे बहुत अट्रैक्ट थे नेचुरल ब्यूटी की तरफ इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी जो भी साइट्स मिलती थी उनको वो अच्छे से यूटिलाइज़ करते थे उन्होंने और भी गार्डन्स बनाए हैं जैसे वेरी नाग हो गया और भी बहुत सारे गार्डन्स जो है जहांगीर के टाइम पे यहाँ पे बने हैं और ये भी सच्चा है कि जितना जहांगीर ने कश्मीर को पे किया है इतना कोई भी रूलर जो है उसने इतना पे नहीं किया है यहाँगीर के बाद शाहजहां ने कश्मीर पर रूल किया शाहजहां भी जब भी यहाँ आते थे उनके साथ भी बहुत सारे उनके सैनिक वगैरह होते थे जब भी शाहजहां का रूल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया था लोग जनरली यहाँ पे क्यों आते थे मोस्टली टू फाइंड देयर मेंटल पीस सो दैट जितना भी वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सही से ठीक कर सके या स्पिरिचुअली वो अटेन हो शाह शाहजहां ने यहाँ पे एक चशम शाही बनाया था और शालीमार गार्डन का एक पोर्शन जो है वो शाहजहां ने बनाया है द मोगल गवर्नर थे अली मरदेन खान उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ गार्डन बनाए हैं शाहजहाँ के बाद जिस मुगल रूलर का पे रूल हुआ वो थे औरंगजेब और औरंगजेब और यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आए थे इन 1665 में और इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि जब भी वो जब वो कश्मीर में आए थे उनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस वर्नियर औरंगजेब और का जो टेनोर था वो इतना सही नहीं था जितना कि बाकी जो मुगल रूलर्स थे उनका सही रहा था जब औरंगज़ेब का टेनोर चल रहा था तब वहाँ पे पूरी स्टेट में रिवोल्ट रिवेलियन स्टार्ट हो गई थी लोग विद्रोह करना शुरू कर दिया था पूरे एरिया में ऐसा हो गया था डिसऑर्डरमेंट हो गई थी कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा था लॉलेसनेस हो गई थी कोई लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता था जिसकी वजह से पूरे स्टेट में वो ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट आ गई थी और बहुत ज़्यादा जो मैनी स्टेट्स जो थी वो क्या बन गई थी इंडिपेंडेंट बन गई जितने भी सूबेदार से सूबेदार थे औरंगज़ेब के अंदर उन्होंने अपनी नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट आ गई थी कश्मीर में जो जितने भी गवर्नर्स होते थे मुगल गवर्नर्स उन्होंने क्या कर दिया था लोगों को लूटना शुरू कर दिया था लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था जितने भी पैसे पूसे होते वो सब लूट कर ले जाते थे जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशनस हो गई थी डिसऑर्डरमेंट कश्मीर में आ चुका था जब औरंगज़ेब के बाद क्या हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट आ गया था इसकी वजह से क्या किया कश्मीरीज ने कश्मीरीज कश्मीरी कहाँ चले गए लाहौर में चले गए सो दैट वो कुछ कश्मीरी थे वो लाहौर में चले गए सो दैट उनको मुगल रूल से क्या हो सके छुटकारा मिल सके उन्होंने लाहौर में जाके अहमद शाह अब्दली जो थे अहमद शाह अब्दली जो काबुल के थे उनको लाहौर में जाके मिले 1752 फिफ्टी टू में उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें मुग़ल से कश्मीर को बचा लें जो दो कश्मीरी गए थे उनका नाम था मीर मुक्म मुक्म्मी मकम कांत एंड ख्वाज अजाहिर दिदमरी जिन्होंने लाहौर में जाके अहमद शाह अब्दली से जाके मिले और उनको रिक्वेस्ट की कश्मीर कि 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 को अपने अंडर ले लें जिसकी वजह से फिर अहमद शाह अब्दली ने अपनी सेना के साथ कश्मीर पे अटैक किया और कश्मीर को अपने जीत लिया और अपने रूल अंडर ले लिया जिसकी वजह से कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट हो गया अफगान रूल कश्मीर में सेवनटीन फिफ्टी टू में स्टार्ट हुआ था और एटीन तक रहा था अहमद शाह ने जब कश्मीरी ने उनको रिक्वेस्ट की कश्मीर को अपने अंडर ले लीजिए हमें मुगल से बचा लीजिए तो अहमद शाह ने ये जो ऑफ़र था एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जितनी भी आर्मी थी पावरफुल उसको बेच दिया अंडर अब्दुल्ला खान इशिक एकासी के अंडर ठीक है टू अकुपाइड द बेलिक सो दैट वो बेली को आकुपाई कर सके मुग़ल मुग़ल जो सैनिक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अपोज़ किया रजिस्ट किया बट इन द एंड जो अफ़गान थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे जिसकी वजह से मुग़ल्स हार गए और जहाँ पे अफ़ग़ान रूल स्टार्ट हो गया अफ़ग़ान जो गवर्नर थे उन्होंने अफ़ग़ान फ्लैग को अकबर के टोन पे लगा दिया जिसकी वजह से अफ़ग़ान रूल कश्मीर में स्टार्ट हो गया बट ये कहा जाता है कि जो पठान रूल था जो अफ़गान रूल था वो डार्केस्ट पीरियड था स्टेट के लिए क्यों क्योंकि जब अफगान रूल जहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वो उनका जो जैसे उनका जो फर्स्ट गवर्नर जहाँ पे आए रूल करने के लिए उनका बस मेन यही टारगेट था कि वो लोगों को टेरर फैलाएं लोगों में डर बिठाएं लोगों को लूटें ड्यूरिंग देयर टेन क्या होने लगा यहाँ पे वो लोगों के लूटना स्टार्ट हो गया लोगों को बेवजह मारा जाता था उनकी डेथ्स होना शुरू हो गई ऐसे मार दिया जाता था जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट स्टार्ट हो गई थी अंडर अफ़ग़ान रूल्स के मुगल रूल्स से बचने के लिए वो अफगान के पास गए अफगान ने भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव किया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट स्टार्ट हो गई थी अफगान से बचने के लिए फिर उन्होंने क्या किया क्या होता था अफ़ग़ान में कि जो भी लोग अच्छा कर रहे होते थे वे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इन टर्म्स ऑफ लैंड उनको क्या करते थे गवर्नर साहब अपने पैलेस पे बुलाते थे समन भेजते थे और उनको बोलते थे कि जितने भी वेल्थ है उनके पास उनको उनके पास आके सरेंडर कर दे उनके जितने भी घर होते थे उनको पूरी तरह लूट लिया जाता था और उनको तलवार पे रख दिया जाता था कि तलवार की नौकरी उनके पूरे घर को लूट लिया जाता था यह भी सच्चा कि उस टाइम पे सारे ही सेक्शन जितने भी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते थे वो सारे सफ़र कर रहे थे पर जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे वो थे हिंदू शियाज और बम्बास ऑफ जेलम वैली दीज थ्री जो भी रिलीजन से ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ये भी स्ट्रेंज है कि जिन्हें अफगान के टाइम पे एक हिंदू गवर्नर भी हुए जिनका क्या नाम था राजा सुख जीवन राजा सुख जीवन मल सिर्फ इन्हीं के टाइम पे थोड़ी सी रिलीफ़ मिली कश्मीरीज को कि जो भी ये लूटेड होते थे जो भी ये मारा जाता था ये थोड़े इनसे रिलैक्सड हो गए बट जो भी पठान रूल को याद करता है इन हिस्ट्री, वो उनकी ब्रोटैलिटी और क्रुएल्टी के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रोटैलिटी और क्रोलिटी कश्मीर में फैलाई थी आफ्टर द अफ़ग़ान रूल यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट हुआ क्या हुआ कि लोगों को पेशेंस ख़त्म हो रहा था उनके अंदर से पठान के रूल्स के तो उन्होंने क्या किया कश्मीरी थे पंडित बीरबलदर और उनके बेटे पंडित राजा कक्दर वो क्या किया कश्मीर लाहौर के लिए निकल गए वहाँ पे जाके उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट किया कि कश्मीर को अफगान से बचा लें फिर महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी के साथ कश्मीर पर अटैक किया और कश्मीर को अफ़गान से बचाया जिसकी वजह से कश्मीर सिख रूल स्टार्ट हो गया रूल अठारह में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अठारह तक यहाँ पे रहा था 1846 फोर्टी सिक्स तक एटीन में जब वहाँ पे रिक्वेस्ट करने गए थे पंडित बीरबल दर और उनके बेटे राजा ककदर तो महाराजा रंजीत सिंह ने थर्टी तो सोल्जर्स के साथ कश्मीर पे अटैक किया और पठानस को हरा दिया और रंजीत सिंह अंपायर के अंदर उनका कश्मीर में हिस्सा बन गया जब लोगों में ये न्यूज़ फैले कि महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को जीत लिया तो पूरे लाहौर में ऐसे लाइटनिंग हुई दिए जलाए गए फॉर थ्री डेज और सिख रूल यहाँ पे ट्वेंटी सेवन ईयर्स तक रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम टेन गवर्नर्स थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था एक के बाद एक और उनमें से भी जो लास्ट के दो थे वो कौन थे मुस्लिम्स थे इसी के साथ सिख रूल के साथ हमारी मिडीवल हिस्ट्री ख़त्म होती है इन द नेक्स्ट क्लास हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि डोगरा डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट्स आपको मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं ट्राई करूँगा कि आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर आपको क्लियर कर सको चलिए जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो उनके आंसर्स चेक कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था सुल्तान शहाबुद्दीन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान शमसुद्दीन थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अराउंड टू ट्वेंटी टू ईयर्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान शहाबुद्दीन फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान जैन सिक्स्थ का आंसर है अराउंड फिफ्टी इयर्स, सेवंथ का आंसर है रैना वारी एठथ का आंसर है इन फोरटीन सेवंटी एटी नाइन्थ का आंसर है इन फिफ्टीन सिक्सटी वन और टेंथ का आंसर है इन फिफ्टीन एटी सिक्स एडी थैंक यू एवरी वन आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट